गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? रोज़मर्रा की भांति आज हम पुनः एक बार संस्कार कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेज में, कल हमने पढ़ा था बच्चों विशेषण। विशेषण के बाद अगला हमारा जो प्रकरण है वो है क्रिया ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में वर्ब्स कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितनी प्रकार की होती है और उनके कितने भेद होते हैं, उन सब की चर्चा आज हम क्रिया ज्ञान में करेंगे। तो पहली बात आती है कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, किसको कहेंगे हम क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किए जाने का बोध हो, किसी कार्य का होना, करना, पाया जाना, ये हो तो उसका बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। देखो बच्चों, धातु क्या होती है? अब आप कहोगे धातु, तो धातु यदि साइंस के हिसाब, विज्ञान के हिसाब से आप लेओगे तो आपके मन में आएगा कि सर धातु तो सोना, चांदी या अन्य मान लो कोई खनिज पदार्थ, उनको धातु कहेंगे। परंतु भाषा विज्ञान में और हिंदी भाषा में धातु का मतलब क्रिया से है। धातु का मतलब किस से है? क्रिया से है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी धातु से बनती है। प्रत्येक क्रिया है उसमें किसी न किसी प्रकार की धातु है। धातु से ही क्या बनती है बच्चों? क्रिया बनती है। जैसे गाना, जाना, गाना, पीना, खाना, ये क्या है? क्रियाएं हैं। ये क्या है? क्रियाएं हैं। अब देखो जाना क्या है? क्रिया है। अब जाना में यदि हमने प्रत्यय हटा दिया ना, ना हटाते ही बचा क्या? जा। जा क्या है? क्रिया। क्रिया भी है, धातु भी है। जा क्या है कि क्रिया भी है, धातु भी है। अब उसी प्रकार देखो गाना, गाना में हमने ना प्रत्यय हटा दिया, ना प्रत्यय हटाते ही बचा क्या? गा। तो गा क्या है कि धातु है, धातु और क्रिया भी है। और पीना, अब पीना में देखो ना हटाते, ना प्रत्यय, प्रत्यय हटाया बचा पी, पी का अर्थ पीना, पी क्या एक धातु है। उसी प्रकार खाना में ना प्रत्यय हटाया बचा खा, खा धातु है एक और क्रिया भी है। और क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सकर्मक, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखो कर्म के आधार पर बच्चों क्रियाओं के कितने भेद है? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। कौन कौन से? एक सकर्मक और एक अकर्मक। फिर सकर्मक के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म हो वो क्या हो जाएगी? एक कर्मक। और जिसमें दो कर्म हो वो क्या हो जाएगी? द्विकर्म। अब देखो बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। पहली हमारी जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म साथ है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसके साथ कर्म है वो क्या है? सकर्मक है। देखो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार सकर्मक क्रिया के साथ सदा कर्म होता है। क्या होगा? सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब वाक्य में कर्म है। देखो मैं दो वाक्य बोल रहा हूं, चिड़िया उड़ती है, इसमें कर्म नहीं है। चिड़िया आकाश में उड़ती है,
तो आकाश यहाँ क्या है? कर्म है। अब देखो मैं आपको एक वाक्य से समझाता हूँ। राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, यहाँ पीता है क्या है बच्चों? क्रिया है। पीता है क्या है? क्रिया है। क्रिया का फल दूध पे पड़ता है, क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ता है? दूध पे पड़ता है। और कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। अभी मैंने अपन ने चर्चा की थी कि सकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं। एक कर्मक, जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया, यदि वाक्य में दो कर्म है तो वो क्या कहलाएगी? द्विकर्मक। जैसे राम रमेश को भोजन कराता है, राम है वो रमेश को क्या कराता है? भोजन कराता है। अब देखो राम यहां क्या है? राम यहां है कर्ता, और रमेश और भोजन क्या है? रमेश और भोजन क्या है? यहां दो कर्म है। रमेश और भोजन क्या है? यहां दो कर्म है। समझ गए ना? हाँ। अब दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आओ देखते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है। देखो बच्चों सकर्मक में क्या था? कर्म पे पड़ रहा था। व्यापार का फल कर्म पे पड़ रहा था तो सकर्मक थी, और कर्ता पे पड़ रहा है तो अकर्मक है, वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पे पड़ेगा तो क्या होगा? अकर्मक, और कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक। जैसे राम उठता है, यहां उठना क्रिया का व्यापार है, उठना क्रिया का क्या है? व्यापार है, और कर्ता राम करता है, और उठना क्रिया का फल भी उसी पे पड़ता है। कहने का मतलब है जिस क्रिया के व्यापार का फल यदि कर्ता पर ही पड़े तो बच्चों वहां समझ लेना अकर्मक क्रिया है, यदि जिस क्रिया का व्यापार यदि कर्म पे पड़े तो समझ लेना वहां सकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म साथ हो वो क्रिया सकर्मक होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रियाएं होगी। और किम और क्या से यदि प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वो सकर्मक क्रियाएं हैं, और किम और क्या से यदि उत्तर नहीं मिले तो वो समझ लो अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखो क्रियाओं के अन्य भी पांच भेद माने गए हैं। कर्म के आधार पर तो हमने पढ़ लिया कि क्रियाएं दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म साथ हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। यदि व्यापार का फल यदि कर्म पे पड़ेगा तो वो क्रिया सकर्मक थी, यदि व्यापार का फल यदि कर्ता पे पड़ेगा तो वो क्या थी? अकर्मक थी। अब देखो इनके पांच भेद और भी हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनती है, दो या दो से अधिक जो भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है उनके योग से बनती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रियाएं। जैसे राम ने दूध पी लिया होगा, राम ने दूध पी लिया होगा। अब देखो पी लिया होगा यहाँ क्या है? संयुक्त क्रिया है। पी लिया होगा यहाँ क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे है दूसरी नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं क्या होती है? देखो बच्चों जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में धातु की तरह परते लगाकर बनाई जाती है, धातु की तरह परते लगाकर बनाई जाती है। जैसे दुख क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसमें परते ना परते लगा, ना परते लगाते क्या बन गया? दुखाना। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, इसमें परते लगा तो क्या बन गया? हथियाना। ये देखो ना क्या है? परते है। ना क्या है बच्चों? प्रत्यय है। अब देखो फिर इसमें तीसरी है
प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों क्या होती है, जहां जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से करवाता है, मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी को प्रेरित करता है, किसी को प्रेरणा देता है या किसी को एडवाइस देता है, किसी को आज्ञा देता है कि इस काम को तू कर, तो वहां क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से करवाता है, वो किसी अन्य के सहयोग से करवाता है। जैसे राकेश अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है, राकेश है वो अपना पत्र किससे पढ़वा रहा है, पोस्टमैन से पढ़ा रहा है। देखो यहां पढ़वाना क्या है बच्चों, क्रिया है, यद्यपि पोस्टमैन करता है, क्रिया तो देखो कौन कर रहा है, पोस्टमैन कर रहा है, परंतु यहां प्रेरक प्रेरणा कौन दे रहा है, राकेश दे रहा है। इसलिए जहां कर्ता कार्य स्वयं न करके कि अपने किसी अन्य सहयोगी से करवाए ना, तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखो राकेश अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है, देखो यह पढ़वाना क्रिया है, पढ़वाना क्या है बच्चों, क्रिया है, और यदि क्रिया कर कौन रहा है, पोस्टमैन कर रहा है, कौन कर रहा है, पोस्टमैन कर रहा है, परंतु इसका प्रेरक कौन है, राकेश है। ठीक है, ये तीसरी हो गई। फिर इसके बाद चौथी है पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बच्चों, जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर एक दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो। जैसे राम सोकर उठाए, अब देखो यहां सोने के बाद उठने की क्रिया है, देखो दो क्रियाएं होगी, एक सोना एक उठना, दो क्रियाएं होंगी, राम सोकर उठाए, तो अब क्या होगा इसमें, जैसे इस नाम से पता चल रहा है, जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर दूसरी क्रिया का होना पाया जावे तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, मतलब काल कहां से प्रकट होगा, दूसरी क्रिया से प्रकट होगा, तो वो क्या होगी, पूर्वकालिक। अब पांचवा है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, या तो आप कहा क्या दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, या किसी को अनुमति दे रहे हो, या किसी से प्रार्थना कर रहे हो, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, आज्ञार्थक। जरा चुप बैठो, यहां देखो चुप बैठने के लिए आज्ञा दी जा रही है, मैं बच्चों को हम कहते हैं जरा चुप बैठो, तो बच्चों को आज्ञा दी जा रही है, आप पानी पीजिए, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पानी पीजिए, आप खाना खाइए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां क्या होगी बच्चों, आज्ञार्थक होगी। कल पुनः मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में आने वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि संस्कार से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। इसी के साथ शुभ रात्रि।